हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल रीड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ हरितकी। हरितकी के सप्त भेद। हरितकी के सात भेद बताए गए हैं, विजया, रोहिणी, उतना, अमृता, अभया, जीवंती तथा चेतकी। विजया का स्वरूप अलाभूवृता और यह सर्वरोगनु बताया गया है। रोहिणी का आकार वृत्ताकार एवं इसका उपयोग व्रण रोहण हेतु बताया है। उतना का आकार अस्थि के सदृश और इसका उपयोग प्रलेप हेतु बताया है। अमृता का आकार मांसल होता है एवं इसका प्रयोग शोधन के लिए युक्त होता है। अभया पंच रेखा से युक्त होती है और यह अक्षी विकारों में प्रयुक्त होती है। जीवंती का वर्ण स्वर्ण के सदृश होता है, यह भी सभी रोगों को नष्ट करने हेतु प्रयुक्त होता है एवं जीवंती का आकार तीन रेखा युक्त बताया गया है। इस प्रकार हरितकी के सात भेद बताए गए हैं। हरितकी में रस रहने का स्थान। हरितकी में यूं तो अलवण पंचरस अर्थात लवण रहित पांच रस बताए गए हैं और वो पांच रस रेशे में अम्ल रस, छिलके में कटु रस, गुठली में कसाय रस, हरितकी के मिंगी में मधुर रस एवं हरितकी के वृंत में तिक्त रस। इस प्रकार हरितकी में पांच रस बताए गए हैं। हरितकी का दोषों पर प्रभाव। यदि हरितकी को लवण के साथ प्रयोग किया जाए तो वह कफनाशक होता है। यदि हरितकी को शर्करा के साथ प्रयोग किया जाए तो वह पित्तनाशक होता है। हरितकी को यदि घृत के साथ सेवन करते हैं तो वह वातनाशक है एवं यदि हरितकी को गुड़ के साथ प्रयोग करते हैं तो वह सभी रोगों को नाश करने वाला होता है। विभिन्न कल्पना के अनुसार हरितकी के गुणधर्म। हरितकी को चबाकर खाने पर यह अग्नि का वर्धन करता है। हरितकी को पीस कर लेने पर यह मल का शोधन करता है। हरितकी को शून्य कर लेने पर यह ग्राही होता है। ठीक इसी प्रकार हरितकी को भून कर लेने पर यह त्रिदोष नाशक होता है। ऋतु के अनुसार हरितकी का सेवन अर्थात ऋतु हरितकी। वर्षा ऋतु में लवण के साथ हरितकी का सेवन करना चाहिए। शरद ऋतु में शर्करा के साथ हरितकी का सेवन करना चाहिए। हेमंत ऋतु में सुंठी के साथ हरितकी का सेवन करना चाहिए। शिशिर ऋतु में पिपली चून के साथ हरितकी का सेवन करना चाहिए। वसंत ऋतु में मधु के साथ हरितकी का सेवन करना चाहिए एवं ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ हरितकी का सेवन करने का विधान बताया गया है। इस प्रकार हरितकी का हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है। आई होप यू लाइक दिस। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।